हाँ जी गाइस, अब आप सबने वीडियो देख लिया बेटा। उम्मीद करूंगा सबने वीडियो ध्यान से देखा। पहला सवाल, आपने वीडियो में दो पेट्स देखे, ठीक है, कैट्स एंड डॉग्स। सबसे पहले सपोज कर लीजिए एक बंदे का ऐसा बिजनेस है, मेरे क्वेश्चन को सुनिएगा, एक बंदे का ऐसा बिजनेस है कि उसको पेट्स रखने जरूरी होते हैं, बिकॉज वो पेट्स का ही बिजनेस करता है। अब आप मुझे बताइए, जिस बंदे का पेट्स का बिजनेस है, उसके लिए पेट्स खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये बताइए बेटा। सारे बच्चे बताइए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है पेट्स खरीदना? किसी बंदे का पेट्स का बिजनेस हो तो उसके लिए वो कैपिटल है कि रेवेन्यू है? बच्चे मिक्स जवाब दे रहे हैं बेटा। अब यहीं पर कुछ बच्चे मार खा रहे हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख रहे हैं, वो गलत है। मैंने आपने क्वेश्चन नहीं सुना। पेट्स का बिजनेस जिसका हो उसके लिए पेट्स गुड्स हो गए, जिसका पेट्स का बिजनेस होगा उसके लिए पेट्स गुड्स हो गए मेरे भाई, याद रखिएगा। उसके लिए वो क्या है? उसके लिए वो गुड्स हैं, और गुड्स खरीदना हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। स्टॉक जिसको हम बोलते हैं, द वर्ड इज स्टॉक, परचेज ऑफ स्टॉक इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्टॉक इज अ करंट एसेट, स्टॉक इज अ करंट एसेट, तो परचेज ऑफ स्टॉक इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जितने लोग कैपिटल बोल रहे हैं, क्रॉस, गलत हो गया आपका जवाब। दूसरा, आपने देखा उसमें से एक पेट स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में उसके हाथ में न्यूज़पेपर था, सॉरी मुंह में, हाथ में तो नहीं था, मुंह में उसके न्यूज़पेपर था। ओके, अब सपोज कर लीजिए मैं एक न्यूज़पेपर डेली सब्सक्राइब करता हूं, मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मैं न्यूज़पेपर डेली सब्सक्राइब करता हूं। न्यूज़पेपर का जो मेरा डेली का सब्सक्रिप्शन है, आप मुझे बताइए उसका मेरे लिए कौन सा खर्चा है? कैपिटल की रेवेन्यू। मैं आपसे जवाब चाहता हूं बेटा, खर्चा कौन सा है? कैपिटल की रेवेन्यू, जल्दी से बताइए। न्यूज़पेपर का खर्चा, यस गाइस, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो इसका मतलब क्या हो गया? कई बार आप सब्सक्रिप्शंस पे करते हो, आप कई बार छोटे मोटे खर्चे करते हो, जैसे सपोज आप एक सीए हो, ठीक है, आपने कोई टैक्स की मैगजीन लगवा ली तो आपने उसका सब्सक्रिप्शन पे करा। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपने टैक्स की मैगजीन लगवा ली, आपने हर महीने उसको मैगजीन के सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे करे, वो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, राइट? ओके, अब आपने वीडियो में एक चीज और नोटिस करी होगी, एक बच्चा गाड़ी से उतरा, राइट? बच्चा गाड़ी से उतरा, ठीक है, और बच्चा अपने रूम में गया, बच्चे के हाथ में फुटबॉल था। अब सपोज कर लो अगर हम एक बात करें कि हमारा बिजनेस है और हम लोगों ने अपने बिजनेस के लिए कोई टॉयज खरीदे, कोई स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा, कोई स्पोर्ट्स चीजें, इक्विपमेंट्स खरीदी, हमारे लिए वो खर्चा कौन सा है? आपने देखा होगा बच्चे के हाथ में फुटबॉल था बच्चा, तो उससे मुझे बताइए कि उसमें जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होते हैं वो हमारे बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? सोच के बताइएगा, मेरे क्वेश्चन को सुन लीजिएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज फॉर बिजनेस इज योर कैपिटल और रेवेन्यू? ओके, सो वी हैव एन आंसर। मेजॉरिटी पीपल आर सेइंग रेवेन्यू, बट गाइज होल्ड ऑन, अगर आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कोई ऐसा इक्विपमेंट होगा जो लॉन्ग टर्म चलता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा, इट विल बिकम योर एसेट, याद रखिएगा। तो मैंने आपको इसलिए बोला, आप सोच के जवाब दीजिएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अगर आप छोटे मोटे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदते हो तो वो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। बट अगर सपोज कर लो आपने क्या करा भाई, आपका क्या है, आपकी क्रिकेट एकेडमी है, आपने क्या, अगर आपको पता होगा एक मशीन आती है, उसमें बॉल डालते हैं, बॉल फास्ट आती है, ठीक है, तो वो बॉलिंग प्रैक्टिस के लिए एक मशीन खरीदी जाती है, तो अगर सपोज कर लो आपने वो मशीन खरीदी, वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट आपकी क्रिकेट एकेडमी है, उसके लिए आप बॉल्स खरीदते हो, वो बॉल्स आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का एक प्रॉब्लम ये होता है कि वो कैपिटल भी हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इट्स यूज। तो वो केस स्टडी में क्या लिखा होगा? अब जैसे यहां पर हम बात करें तो फुटबॉल, फुटबॉल इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट?
तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के अंदर बड़ी वाइड डेफिनेशन आती है, तो जरा सोच समझ के इसका एग्जाम में आंसर करना है, याद रखिएगा। मैं आप लोगों को ना चिंता मत करना, केस स्टडीज के आंसर करने भी सिखा दूंगा। ओके हाँ बच्चा मैं वही कह रहा हूँ, फुटबॉल अभी इस एग्जाम्पल के लिए फुटबॉल हम बात करें तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है। अच्छा फिर आपने उसमें केस स्टडी में आपने जो मैंने आपको वीडियो दिखाया उसमें आप लोगों ने एक चीज और देखी, एक चीज आपने उसमें और देखी, लास्ट में दिखाते हैं कि लेडी इज मेकिंग अ केक, राइट। अब अगर सपोज कर लो कि उस लेडी का बेकरी बिजनेस है एंड शी इज मेकिंग अ केक फॉर दैट, अब आप मुझे बताइए बेकरी बिजनेस के अंदर अगर लेडी केक बना रही है वो कौन सा खर्चा है रेवेन्यू की कैपिटल, फटाफट से बताइए। बेकरी बिजनेस है लेडी का और वो खर्चा उसका केक बना रही है वो रेवेन्यू है कि कैपिटल है? यस गाइस इट इज रेवेन्यू, हियर यू गॉट, बिकॉज बेकरी बिजनेस में केक मेकिंग इज योर स्टॉक। अच्छा वैसे भी आपको बताता हूं जो ईटेबल्स होते हैं उनको हम कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलते हैं। क्यों? आप क्या कोई ऐसा ईटेबल्स लेते हो वो क्या साल साल भर संभाल के रखते हो कि थोड़ा 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 करके खाएंगे भाई? नहीं, जनरली ऐसा नहीं होता। तो जनरली क्या होता है, नॉर्मली ईटेबल्स की एक्सपायरी कुछ मंथ्स की होती है तो वो शॉर्ट टर्म होता है। तो याद रखिएगा ईटेबल्स ज्यादातर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होते हैं, राइट, ये बात दिमाग में रखिएगा। यस बच्चों ऑब्वियसली, अब इसमें जैसे आपने इसी एग्जांपल में लेते हैं वो लेडी ने अवन से केक निकाला, वो अवन एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो लेडी ने अवन से केक निकाला, वो अवन क्या है, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ऐसे ही हम डिफरेंट एग्जांपल्स इसमें से ले सकते हैं। आई होप गाइज इट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल। अगर किसी बच्चे को वीडियो में डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो मुझे फटाफट से अच्छी सी स्माइलीज भेजिए कि अब तक की गई डिस्कशन सारी क्लियर है तो मैं आगे चलता हूं। मुझे फटाफट से बच्चे अच्छी अच्छी स्माइलीज भेजें कि अब तक की गई डिस्कशन सारी क्लियर है, फटाफट से गाइस आई एम वेटिंग। अगर किसी के मन में कोई सवाल रह गया तो, एक सवाल आया सर इक्विपमेंट वाला बता दो। ओके बेटा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की मैं डिस्कशन कर रहा था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वो डिपेंड करता है कैपिटल की रेवेन्यू। अब जैसे आपने बैट बॉल खरीदा वो रेवेन्यू होता है, छोटे छोटे खर्चे। अगर आपने कोई मशीन खरीदी, आपने कोई मशीन खरीद ली प्रैक्टिस के लिए, तो वो मशीन जो होती है वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है, राइट। तो ये बातें दिमाग में रखिएगा, वो डिपेंड करता है कि आपका इक्विपमेंट क्या है। चलिए दैट्स ग्रेट, वेरी गुड गाइस, हैट्स ऑफ। चलिए आगे चलते हैं, अब हम लोग आएंगे थोड़ा सा अलग अलग लेवल्स पे, इसको देखते जाइएगा बच्चा। अब हम आ रहे हैं 16th पे, कहते हैं अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ पेट्रोल ड्रिवन इंजन बाय सीएनजी किट्स। देखिए आपने क्या करा, आपने पेट्रोल ड्रिवन इंजन बाय सीएनजी किट्स, अब मेरी बात को समझना, पहले कोई आपका स्कूटर या गाड़ी होगी जो पेट्रोल से चलती थी, आपने उसको सीएनजी में कन्वर्ट करा लिया, ठीक है। अब बताओ 16th क्या है, कैपिटल की रेवेन्यू, फटाफट से जवाब देगा सारे बच्चे, बच्चों का रिस्पांस स्लो आता है। अबू जी इंटरनेट वाला फंडा मत बताइएगा, फटाफट से जवाब दीजिए। अच्छा कुछ कुछ का कैपिटल है, कुछ बीच में रेवेन्यू वाले भी हैं, बट मेजोरिटी कैपिटल। हैट्स ऑफ गाइस, बिकॉज अभी एक बच्चा हमारा प्रथम, उसने ये क्वेश्चन पूछा, मेरे दोस्त अभी उसने पूछा सर गाड़ी में इंजन लगाएंगे तो? मैंने क्या बोला, बेटा तुमने यहां पर गाड़ी की इंजन कैपेसिटी चेंज कर दी है, मैंने उसको जवाब यही दिया था, तो वही क्वेश्चन आ गया। आप देखिए पेट्रोल को सीएनजी में कन्वर्ट करना कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरे भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाई? बिकॉज यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द एसेट। पेट्रोल कॉस्टली होता है, सीएनजी सस्ता होता है, एसेट की एफिशिएंसी, एसेट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके नाउ यू टेल मी दिस थिंग, कॉस्ट ऑफ रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ एन इंजन चेंज टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी। 17th बताइए कैपिटल की रेवेन्यू, फटाफट से, कॉस्ट ऑफ रिंग्स ऑफ एन इंजन। आप लोगों को शायद पता है पिस्टन क्या होता है,
पिस्टन इंजन का एक मेजर पार्ट है। अब ये कहने की जरूरत नहीं है, फिर से वही बात आ गई, मेजर पार्ट है। पिस्टन चेंज कर दोगे तो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लिखा हुआ है सब में। फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपने पिस्टन का खर्चा करा, ये कौन सा खर्चा है मेरे भाई, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बस खाली यही चीजें आपको समझनी है कि ये खर्चा कौन सा है मेरे दोस्त, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दोस्त मेरे भाई, ये कौन सा खर्चा है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इस बात को याद रखिएगा। ओके आगे सुनिए, नेक्स्ट। ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस फॉर द इंजन ऑफ अ मोटर कार टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। अब मुझे बताइए ये कौन सा खर्चा है, 18th का जवाब दे। ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस फॉर द इंजन ऑफ मोटर कार टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। दो आंसर आए अभी तक मेरे पास, एक कह रहा है कैपिटल, एक कह रहा है रेवेन्यू। आगे बड़ा जवाब देते जाएं, बिकॉज ये जवाब आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई। कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू, ऐसे करके जवाब आ रहे हैं। अच्छा, अब कुछ बच्चे अभी भी इसमें गड़बड़ कर रहे हैं, कह रहे हैं रेवेन्यू। मेरे भाई आप लोग लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे, कोई चीज आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ा देती है इसका मतलब होता है वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वाई? फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज करने का मतलब होता है आपने एसेट की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी मेरे दोस्त, एसेट की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी मेरे भाई, तो ये कौन सा खर्चा है, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाई? बिकॉज यू हैव इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एसेट, यू हैव इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एसेट। सो गाइस, इस चीज को दिमाग में, बेजे में डाल लो भाई, बेजे में याद रखना, वरना आप सारे वो बोलोगे आजा माजी सटकली एंड ऑल दैट, क्योंकि ये चीजें आपको डालनी बहुत दिमाग में जरूरी है। आगे सुनिए, लीगल एक्सपेंसेस टू एक्वायर अ बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीदने के वक्त मैंने लीगल एक्सपेंस करा। बच्चा 19th का जवाब दे। अच्छा, ओवरऑलिंग का मीनिंग पूछ रहे हैं, ओवरऑलिंग मतलब होता है पूरा, उसको पूरा रिपेयर करा दिया, पूरा ठीक ठाक करा दिया, पूरा कहते हैं ना, पूरा किसी मशीनरी पे काम करना वो ओवरऑलिंग होता है। यस गाइस, इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज वी हैव एक्चुअली इनकर्ड एन एसेट टू परचेज अ बिल्डिंग। बड़ा सिंपल सा है, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, आप कोई भी एसेट खरीदते हो, आप उस पर लीगल एक्सपेंसेस इनकर करते हो। अगर आप उस पर लीगल एक्सपेंसेस इनकर करते हो तो वो सारा क्या हो जाता है, प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन चार्जेस, लॉयर फीस, ये सारी चीजें आपके लिए कैपिटल होती है। यस गाइज, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, आप लोग बिल्कुल सही हो। नाउ यू पीपल आर गेटिंग द पॉइंट्स। अब आपके दिमाग में चीजें बैठती जा रही हैं कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। सो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट 20th पे आइए। कहता है लीगल एक्सपेंसेस टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग्स टू प्लेंटिफ। अब बात समझिए, देखिए दो चीजें होती हैं, अगर बच्चों को थोड़ी लॉ की लैंग्वेज नहीं पता तो। एक जो केस करता है, जो केस करता है उसे कहते हैं प्लेंटिफ, और जो बेचारा केस को डिफेंड करता है उसे कहते हैं डिफेंडेंट। ठीक है, अब सामने एक बंदा है, मेरी बात को समझेगा, 20th पॉइंट में क्या बोल रहा है, सामने एक बंदा है वो मेरे पे केस कर रहा है, कहता है यार ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी है, ठीक है ये प्रॉपर्टी है वो मेरी है, याद रखिएगा। सो ये कौन सा खर्चा है, रेवेन्यू की कैपिटल, ये कौन सा खर्चा है, रेवेन्यू की कैपिटल। सारे बच्चे जवाब दे बेटा, रेवेन्यू की कैपिटल, रेवेन्यू की कैपिटल, जल्दी से बताइए। यस गाइस, यू गाइस आर राइट, ये सिर्फ आपने एक एसेट को मेंटेन करने के लिए खर्चा करा है, इसके लिए आपने कोई एसेट के परचेज के वक्त खर्चा नहीं है, याद रखना। दिस इज जस्ट टू मेंटेन द एसेट। सो जितने बच्चे बोल रहे हैं रेवेन्यू, इट्स करेक्ट, याद रखना ये एसेट को खरीदने के टाइम पे खर्चे नहीं है। ये क्या है, वो सामने वाला बंदा बोल रहा है कि भाई ये जो फैक्ट्री साइट तेरे पास है ना, ये एक्चुअली मेरी है, वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी मेरी है, मेरे पास है, वो सामने वाला बंदा मेरे पे केस कर रहा है तो मैं उसको डिफेंड कर रहा हूं, राइट? तो वो दैट इज माई बेसिकली, याद रखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके ओके ठीक है, पहले देख ले बच्चा 20 तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया, फिर उसके बाद 10 और कर लेते हैं। भाई 21 तो मैंने पूछा भी नहीं अभी, इतने उत्तेजित ना हो, देख ले बच्चा किसी का क्वेश्चन तो नहीं मिस हो जाता। ओके, ऐश्वर्यम जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर सर्विसिंग का कार इंक्रीजेस। बेटा मेरी एक बात समझिएगा, गाड़ी की सर्विसेज जो होती है
अच्छा बच्चे कुछ ज्यादा ही फॉर्म में है, फटाफट से लिख रहे हैं। ऐश्वर्यम जी पूछ रहे हैं सर सर्विसिंग अ कार इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी। नो सर, आपकी गाड़ी की सर्विस से गाड़ी की प्रोडक्टिविटी नहीं, गाड़ी की मेंटेनेंस होती है भाई, गाड़ी की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है, गाड़ी की मेंटेनेंस होती है सर, याद रखना। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब होता है गाड़ी की कैपेसिटी बढ़ाना, राइट। तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है चीजों का। कोई मशीन को सर्विस करने का मतलब होता है कि सिर्फ उसका आपने मेंटेनेंस करना, तो ये दोनों में फर्क होता है, राइट। आई होप ऐश्वर्य आपको मेरी बात समझ में आ गई, और 21 का जवाब बच्चे फटाफट दे रहे हैं, ओके। अब आपको सारे बच्चों ने जब 21 का जवाब दे ही दिया है तो आपको सारे बच्चे समझ रहे हैं कि भाई हम लोगों ने क्या करा, एक पुरानी बिल्डिंग खरीदी, उसको पहली बार खरीदते ही पर लीपा पोती करा दी। सर लीपा पोती मीन्स पेंट करा दिया, तो ये कौन सी बिल्डिंग है? ये सेकेंड हैंड एसेट है। सेकेंड हैंड एसेट पे किया गया कोई भी खर्चा रिपेयर का मेंटेनेंस का वो कैपिटल होता है। तो जितने लोग 21 में कैपिटल बोल रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, याद रखिएगा, वेरी गुड ओके। उसके बाद अमाउंट स्पेंड ऑन एनुअल रीपेंटिंग ऑफ बिल्डिंग, बच्चा 22 का जवाब दे, अमाउंट स्पेंड ऑन एनुअल रीपेंटिंग ऑफ बिल्डिंग। आप मुझे सारे बच्चे जवाब दे 22 का, जल्दी से जवाब दीजिए। 22 कौन सा है? यस इट इज रेवेन्यू गाइस, बिकॉज दिस इज एनुअल मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। यस आप बिल्कुल सही कह रहे हो, दिस इज एक्चुअली रेवेन्यू मेरे भाई। ये कौन सा है? दिस इज एनुअल मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग दोस्त। तो ये कौन सा खर्चा है? ये रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू है मेरे भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, दिस इज रेवेन्यू। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ओके। अब 23rd देखिए भाई, हमने लाइसेंस लेना है फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए। हमने क्या करना है? लाइसेंस लिया फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए, ये कौन सा खर्चा है? कैपिटल की रेवेन्यू। 23rd, लाइसेंस लेना है फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए, यस इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिकॉज अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो मैंने आपको वो शाहिद कपूर वाला एग्जाम्पल दिया था, मैंने उसी में आपको बताया था, आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई खर्चा कर रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जैसे सपोज आपने एक नई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी शुरू करनी है, आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसको कहते हैं अमाउंट स्पेंड टू परचेज द राइट टू कैरी ऑन द बिजनेस या राइट टू एक्वायर द बिजनेस। तो ये सारे जो खर्चे होते हैं मेरे भाई, ये सारे कौन से होते हैं? दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज आपने बिजनेस को शुरू करने के टाइम पे लाइसेंस लेना है। अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं डेफर्ड रेवेन्यू। नो बच्चा, इट इज नॉट डेफर्ड, नहीं डेफर्ड नहीं होता ये। देखो डेफर्ड क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। लाइसेंस एक बिजनेस के लिए एसेंशियल एसेट है, उसके बगैर आप बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट अगर सपोज कर लो डेफर्ड की बात करें, डेफर्ड जनरली क्या होता है कि बिजनेस शुरू करा, अब सपोज आपने लाइसेंस लेना है, लाइसेंस आप खुद नहीं जाके ले सकते, आपको एक लॉयर चाहिए, आपने लॉयर अपॉइंट करा, लॉयर के खर्चे आप प्रीलिमिनरी में डाल सकते हो क्योंकि उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, राइट। तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है, लाइसेंस बिजनेस का मेजर पार्ट है, उसके बगैर आप बिजनेस शुरू ही नहीं कर सकते। कोई आपने लीगल एक्सपेंस करे वो आप प्रीलिमिनरी की कैटेगरी में डाल सकते हो, तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो आई थिंक जो बच्चे मुझे पूछ रहे हैं सर ये प्रीलिमिनरी क्यों नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये एक्चुअली में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक मेजर इन्वेस्टमेंट है। आप मुझे बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस शुरू करना चाहते हो, या आजकल जैसे एक सुपर हिट बिजनेस है, क्या शराब की दुकान आप खोलना चाहते हो, ठेका खोलना चाहते हो, इसको हम बोलते हैं, आपको पता आजकल लाइनें लगी हुई है शराब की दुकान के बाहर, तो बंदा हर एक बंदा क्या करेगा, बोलेगा छोड़ मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि एक आईसीएम शराब भंडार खोल लूं, आईसीएम विस्की पार्लर, क्या करना है पड़ा पड़ू के। देखो हम लोग यहाँ पर सारा दिन पड़ा पड़ा के गले फाड़े और वहां पर देखो कैसे प्रॉफिट कमा रहे, तो छोड़ते हैं ना काम, आईसीएम विस्की पार्लर बड़ा अच्छा नाम है, हम वो खोल लेते हैं। क्या मैं ऐसे खोल सकता हूँ? नहीं खोल सकता, याद रखिएगा मैं ऐसे नहीं खोल सकता, मुझे उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो पहला काम भी है, याद रखिएगा बेटा, इट इज नॉट अ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस,
इट इज नॉट अ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, याद रखिएगा मेरे दोस्त, इट इज नॉट अ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, क्योंकि इट इज सॉर्ट ऑफ अ एक्सपेंस इनकम टू परचेज एन एसेट. आपने बिजनेस स्टार्ट करा, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी की कैटेगरी में आएगा ही नहीं. ओके, एक बच्चा कह रहा है 19th प्लीज रिपीट कर दो. ओके बेटा, 19th क्या था, मैंने बिल्डिंग खरीदी उसकी. अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो बच्चा कह रहा है 19th रिपीट कर दो, नवनीत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नवनीत राइट, नवनीत अगर आप देख रहे हो, सपोज मैंने बिल्डिंग खरीदी, 19 में क्या था, बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग के लिए लीगल चार्जेस पे करे. यार सपोज आपने घर ही खरीदा, आपके फादर ने घर खरीदा, अब घर ऐसे आपके नाम नहीं होगा, आपके फादर को कोर्ट जाना पड़ेगा, रजिस्ट्री के खर्चे कराने पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली वो लीगल चार्जेस है अपने घर को खरीदने के, तो वो बिल्डिंग की कॉस्ट में, घर की कॉस्ट में ऐड हो जाता है. मान लो आपने 20 लाख का घर खरीदा आपके फादर साहब ने, उन्होंने 1 लाख रुपया रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करे, तो घर 21 लाख का पड़ा. ऐसे बोला जाता है, घर कितने का पड़ा, 21 लाख का पड़ा. ऐसे आप सपोज कर लो, मैं आपको एग्जांपल और देता हूं, आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी की आरसी बनवाते हो, आरसी पता आप लोग को, आरसी बनवाते हो गाड़ी की, तो वो गाड़ी की कॉस्ट में ऐड होता है. जब आप गाड़ी की कॉस्ट टोटल लेते हो, तो आरसी के खर्चे गाड़ी की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं. नहीं बच्चा, आप पहले एक छोटी सी बात याद रखे, आप ना प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की डेफिनेशन गलत बोल रहे हो. प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है, कि बिजनेस शुरू करने के पहले, यहां पर है एसेट खरीदने के पहले, वो है बिजनेस शुरू करने के पहले. बिजनेस शुरू करने के पहले आप खर्चे कर रहे हो, एसेट तो आप कभी भी खरीद सकते हो. तो ये दोनों बातों में डिफरेंस है बच्चा, अगर आपको ये डाउट है तो इसको क्लियर कर लो. एक होता है बिजनेस शुरू करने के पहले, वो होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये है एसेट खरीदने के पहले. ठीक है, तो आप एसेट तो बिजनेस शुरू करने के बाद भी अपना खरीद सकते हो. ये थोड़ी होता कि एसेट जो है, मान लो आपका बिजनेस चलते हुए 4 साल हो गए, उसके बाद आपने एक नया ऑफिस बनाना है, उसके लिए बिल्डिंग खरीद ली, तो वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की डेफिनेशन में नहीं आता. तो पहले इस चीज को क्लियर करें. अच्छा वो कह रहा है हमें डिस्काउंट देना, बेटा आपको 76 मिलेंगे ढक्कन, ये पड़ेगा आपको 2.5 किलो का हाथ, सुना 2.5 किलो का, बाबा सनी कहते हैं 2.5 किलो का हाथ, कहता है डिस्काउंट. मेरे से भी मार पड़ेगी, पेरेंट्स से भी पड़ेगी. यस बच्चा, इंश्योरेंस ऑफ अ कार, एक सवाल और आया, कहता है सर गाड़ी की इंश्योरेंस. यस बेटा, गाड़ी के परचेज के वक्त गाड़ी की इंश्योरेंस एक एसेंशियल आइटम है, उसके बगैर गाड़ी आपकी शोरूम से बाहर नहीं निकल सकती. गाड़ी का आपका आरसी एसेंशियल है, उसके बगैर गाड़ी आपकी शोरूम से बाहर नहीं निकल सकती. कुछ शहरों में आजकल कंपलसरी हो गया पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, वो लेना पड़ता है, फिर गाड़ी शोरूम से बाहर निकलती है, उसके बगैर निकल ही नहीं सकती. तो आरसी इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, ये सारे गाड़ी की कॉस्ट में ऐड होते हैं, याद रखना. भाई और कोई सवाल तो नहीं किसी को? ठीक है चलिए आगे करते हैं, कवर अप करते हैं बच्चा इसको फटाफट से. अब पहले दो पॉइंट्स और करते हैं, एनुअल रिन्यूअल फी लाइसेंस फॉर नेक्स्ट ईयर. अब मुझे एक बात बताइए, लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए मुझे एक एनुअल रिन्यूअल चार्जेस देने पड़े, आप बताइए ये कौन सा खर्चा है रेवेन्यू की आपके पास, ये खर्चा बताइए बेटा. 24th बताइए. यस, 24th इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बच्चे यही गलती मत करना, ये क्या है, लाइसेंस एक बार स्टार्टिंग में लिया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. लाइसेंस को रिन्यू कराया, रिन्यू कराया मतलब अब आप आगे हर साल रिन्यूअल चार्जेस पे कर रहे हो, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है. तो बच्चा ये फंडा याद रखना, ये एक हिसाब से आपके पास अपना रेवेन्यू प्रीपेड एक्सपेंस है. प्रीपेड क्यों, अगले साल का पे करा ना, तो कई बार क्या होता है इसको हम अगले साल पे कर देते हैं, मतलब अगले साल का खर्चा हम पहले पे कर रहे हैं, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस. ओके, 25th, अमाउंट स्पेंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स फॉर स्टोरिंग बिल्डिंग मटीरियल वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग. मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. आपने नोटिस करा होगा कई बार, पहले मेरे बात को समझिएगा बेटा, बच्चे कुछ फटाफट आंसर कर रहे हैं. ऐश्वर्य बेटा मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है,
हाँ, अगर एक बार आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, उसके बाद दोबारा कराते हो, वो रेवेन्यू होता है। वो बेटा 24th में आपका जवाब आ गया ना, कि पहले स्टार्टिंग वाला खर्चा आपका होता है कैपिटल, उसके बाद रिन्यूअल होता है रेवेन्यू, ये बात याद रखना। अच्छा पहले 25 का मुझे आंसर दे, 25 का बच्चे आंसर क्या दे रहे, कैपिटल की रेवेन्यू। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया मेरे दोस्त, 25 का जवाब दे, 25 का। आपने बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग बनाने के लिए कई बार क्या होता है, सामान रखने के लिए हम ना एक छोटे से ईंटों का छोटा सा एक घर सा बना लेते हैं, जहां पर अपना सामान रखते हैं। अब वो कौन सा खर्चा है, कैपिटल की रेवेन्यू, और आपको पता है उसको आपने तोड़ भी देना है। अच्छा कुछ बच्चे इसमें भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कुछ बच्चे रेवेन्यू कर रहे हैं, जो कैपिटल कर रहे हैं बिल्कुल सही है। क्यों? बिकॉज ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का हिस्सा है, याद रखना, इट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। याद रखिएगा बच्चा, दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो बेटा ये बात याद रखना, ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का हिस्सा है, राइट गाइस। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास एक हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। चलिए हमने 25 पॉइंट करे, अगर 25 में से किसी बच्चे को कोई डाउट है तो फटाफट से अपना डाउट बताएं, अगर डाउट नहीं है तो मुझे अच्छी अच्छी स्माइलेस भेजें, 25 लिखकर अच्छी सी स्माइल्स, ताकि हम यहां पे एक छोटा सा बच्चों को पहले ब्रेक दे दूं, क्योंकि हम पिछले 1.5 घंटे से लगातार पढ़ रहे हैं। सो आई वुड रिकमेंड एक छोटा सा ब्रेक ले लें, और ब्रेक लेकर फिर हम मिलते हैं ब्रेक के बाद, और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट टू फिनिश द मेजर पार्ट ऑफ दिस टॉपिक टूडे। सो 25 तक अगर आपको सारा क्लियर है, ओके दैट्स ग्रेट गाइज, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है गाइज, हम लोग मिलते हैं बच्चा ब्रेक के बाद, वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे भी आज।